बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप? इंटरस्ट आर्टिकुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं और इस वीडियो में आप उसकी डेफिनेशन, काइंड्स और किस तरह से इंटरस्ट आर्टिकुलेशन किया जाता है यानी मेथोडोलॉजी को देखेंगे। ब्रीफली हम तीनों चीज़ों को देखेंगे। नंबर वन है कि इसको इंटरस्ट आर्टिकुलेशन कहते किसके हैं। देखिए, इंटरस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं पॉलिटिकल वॉइसिंग को, जो आप डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाते हैं, वो आपके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लोगों की के क्लेम्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको उन तक पहुंचाना, ताकि बाद में वो पॉलिसी बनाते हुए इन क्लेम्स को, इन डिमांड्स को भी मद्देनज़र रखें, इसको इंटरस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं इंटरस्ट आर्टिकुलेशन की काइंड्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले इसकी तीन काइंड्स होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल खुद जाता है सिटी काउंसिल के पास या पब्लिक ऑफिशियल के पास और या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अपनी डिमांड रखने के लिए कि मुझे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ लोग मिल के भी इसी प्रोसेस से गुजर के जा सकते हैं, यानी एक मोहल्ले के लोग चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग चले जाएंगे और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी डिमांड प्रेजेंट करेंगे। तीसरा जो है वो फॉर्मल इंटरेस्ट ग्रुप बना के कुछ लोग मिल के फिर फॉर्मल इंटरेस्ट ग्रुप के अम्ब्रेला में रहते हुए भी डिमांड्स प्रेजेंट करेंगे कि हमें इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम आते हैं मेथोडोलॉजी की तरफ। मेथोडोलॉजी में या मेथड्स में आप देखें तो सबसे पहले है एक इनफॉर्मल मेथड। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इनफॉर्मली भी लोग उन्हें ये अलाउड होता है कि एक इंसान अकेला या कुछ लोगों के साथ मिलके वो अपनी डिमांड को प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा तरीक़ेकार है डायरेक्ट मेथड। अब इसके अंदर जैसे लेबर यूनियंस हो गई, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे लॉयर्स हो गए, इनकी मूवमेंट्स हो गई, तो ये लोग जो हैं, ये लोग मिलके जब एक ग्रुप में रहते हुए अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स रही हैं जो कि डायरेक्ट मेथड के मुताबिक इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया गया, जैसे यंग डॉक्टर्स की मूवमेंट थी, जैसे लॉयर्स की मूवमेंट थी, या किसानों ने मूवमेंट की, जैसे इंडिया के अंदर किसान बैठे रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप के तहत एक लार्जर इंटरेस्ट ग्रुप में रहते हुए भी आप डिमांड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथोडोलॉजी भी होती है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होती है। अब वो किस तरह से इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है समझने वाली। जैसे आप देखें कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस के अंदर लोग आएंगे और बताएंगे कि हमें इस वक्त इस ज़रूरत, इस चीज़ की ज़रूरत है और इसको हमें हमें हल करके दिया जाए। वो इसी काम के लिए बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभार जिस चीज़ की डिमांड हो रही होती है वो सिरे से मौजूद नहीं होती, उसको बनाना पड़ता। फिर उसके अलावा ये अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में जिन लोगों को हमने मुंतखब करके भेजा होता है वो लोग ही लेजिस्लेचर में कानून साजी के मरहले से गुजर रहे होते हैं, तो वो भी इसमें मददगार होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जब इंटरेस्ट की आर्टिकुलेशन की जाती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, ऑल्दो वो उतनी स्पीडी नहीं होती समटाइम्स, क्योंकि देखें जब इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया जाता है डायरेक्ट मेथड के तहत तो उसके अंदर कभी कभी इकोनॉमिक या वायलेंट एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, तो उनसे भी आमतौर पे हुकूमतें बचने के लिए उनकी जो बातें हैं वो फौरी फौरी मान लेते हैं और स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। इंस्टीट्यूशनलाइज मेथड ऑल्दो स्पीडी नहीं होता, लेकिन ये बड़ा बेहतरीन मेथड होता है। ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कुछ महीनों या वक्ती तौर पे मसले का हल नहीं देखा जाता, बल्कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं यानी लॉन्ग टर्म मसाइल के हल की तरफ देखा जाता है कि हम आइंदा कम से कम भी कुछ डेकेड्स तक इस मसले के हल को हम ढूंढें।
ये तो था इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, उसके काइंड्स और उस मैथडोलॉजी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट एग्रीगेशन के बारे में बताऊंगी। आई होप कि मैंने आपको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को क्लियर कर दिया। थैंक यू।